बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बच्चों की दुनिया में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के जद में है और लोग खौफ और गम में मुब्तला हैं। तो ये कोरोना वायरस पहली बीमारी नहीं है, बल्कि तारीख इंसानी इससे बड़ी बड़ी वबाओं से भरी पड़ी है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रुजू इलल्लाह की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म की वबाई अमराज और दूसरी नागहानी आफात का आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी की अलामत और निशानी है। इसलिए उसी ज़ात की तरफ कामिल तवज्जा करनी चाहिए। इस हालत में हमें ये काम करने चाहिए। नंबर एक, तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। कुछ एहतियाती तदाबीर मैं भी आपको बता देता हूँ। मसलन, हमें हाथ और चेहरों को बार बार धोते रहना चाहिए और जिस्म को पाक और साफ रखना चाहिए और पानी, उबला हुआ गर्म पानी पीना चाहिए और ठंडी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए और रश वाली जगह मसलन सफ़र और बाज़ारों वगैरह पर जाने से परहेज़ करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नंबर दो, सुबह शाम की दुआएं पढ़नी चाहिए। जैसे शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के एक जानने वाले बुज़ुर्ग को ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में तलफीन की के तीन मरतबा सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन मरतबा पढ़े और तीन मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद तीन मरतबा पढ़े और 313 मरतबा हसबुनल्लाहि व निअमल वकील। तो आप सब मस्कूरा आमाल को पाबंदी से करें और हम भी इस पर अमल करते हैं। बाकी ये याद रखिए, जो रात कब्र में आनी है वो कभी बाहर नहीं गुजार सकते और जो रात बाहर मुकद्दर में लिखी हो वो कभी कब्र में नहीं आ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ आप लोगों ने सुबह शाम तीन मरतबा पढ़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह हित्तामाती मिन शर्रि मा खलक। ये दुआ भी आप लोगों ने सुबह और शाम तीन मरतबा पढ़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम य कुल्लहु कुफुवन अहद अहद। ये भी आप लोगों ने सुबह शाम तीन मरतबा पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रिवर्स सूरत फातिहा भी आप लोगों ने तीन मरतबा सुबह शाम पढ़नी है। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।